ओम साई राम। मेरे प्यारे बच्चे, प्यार की आशा में जियो, प्रार्थना करो, कामना रखो, प्यार के लिए सपने भी देखो, लेकिन प्यार के इंतजार में जीना मत भूलो। कभी भी तुम अपने आप को यह विश्वास ना करने दो कि तुम किसी भी तरह से अयोग्य या कम हो किसी से। तुम सबका प्यार प्राप्त करने के काबिल हो। तुम दयालु और बेहद खूबसूरती के मालिक हो। तुमसे ही ये जहां इतना सुंदर है। जो तुम्हारे लिए उपयोगी है सिर्फ उसे ही अपने पास रखो, और जो उपयोगी नहीं है उसे दान करो। चाहे वो किताबें हो या कपड़े या कुछ और जो दूसरों के लिए उपयोगी हो सकता है। जैसे तुम ना काम आने वाले वस्तुओं को त्याग देते हो, वैसे ही जो विचार और दर्द तुमको राहत ना दे रहा हो उसे भी जाने दो। यदि तुम ऐसे विचार जमा करते रहते हो जो तुम्हारी सेवा नहीं कर रहे हैं, तो इससे तुम्हारे मन की स्थिति और तुम्हारे शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है। ज़्यादा चिंता मत करो, कुछ भी नियंत्रित करने का प्रयास भी ना करो। मेरा नाम जपते रहो, याद रखो मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें मैं अपनी नज़रों से कभी भी ओझल नहीं होने देता। तुम अपना जीवन मेरे साथ जी रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हंस रहा हूँ, तुम्हारे साथ रो भी रहा हूँ। मैं तुम्हारी ढाल हूँ, मैं तुम्हारा रक्षक भी हूँ। मजबूत, खुश और शांत रहो। जब तुम खुश होते हो तो ये तुम्हारे परिवार को भी आत्मविश्वास और खुशी देता है। वे अच्छा महसूस करते हैं, वे सुरक्षित महसूस करते हैं। तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारा नहीं है, तुम इसे अपने प्रियजनों और शुभचिंतकों के साथ बांटते हो। तुम अपने प्रियजनों से प्रेरित रहो और खुशियाँ बांटते रहो। तुम्हारे लिए मेरा प्यार अंतहीन है। तुम हमेशा ऐसे लोगों से घिरे रहोगे जो वास्तव में तुमसे प्यार करते हैं और तुम्हारी देखभाल भी करते हैं। उन लोगों पर भरोसा ना करो जो हमेशा तुम्हें हाँ कहते रहते हैं। सच्चाई का हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। हर तरह की सलाह का स्वागत करना चाहिए, अगर वो आपके हित में हो तो। यह फर्क नहीं पड़ता कि सलाह देने वाला कौन है, मैं सभी में रहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए विश्वास के पुल बांध रहा हूँ, जिसको पार करके ही तुम पार पहुँचोगे। जिस समय तुम प्रतीक्षा कर रहे होते हो, वो मेरा तुम्हारे सपनों पे काम करने का समय होता है। प्रतीक्षा करते समय धैर्य रखो, शांत रहो। शांति और तुम्हारा धैर्य केवल तुम्हारे काम को जल्द पूरा करने में मदद करेगा। मैं तुम्हारे जीवन का हिस्सा हूँ, तुम्हारे परिवार का हिस्सा हूँ, तुम्हारा दोस्त और मार्गदर्शक भी हूँ। बेचैन मत रहो, तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा है, सब शुभ है, सब शुभ ही होगा। मेरे लिए ज़रा मुस्कुरा दो, मुझे तुम्हारी मुस्कान बहुत पसंद है। जय साईं राम।